कोरियन स्किन केयर रूटीन्स आर फैब्यूलस, उनमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि वो डिजाइंड नहीं है एंटी एजिंग के लिए. अब एंटी एजिंग रूटीन, मेरा एंटी एजिंग रूटीन, उसमें क्या होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, रेटिनॉल होता है, एक अच्छी सी हाइड्रेटिंग क्रीम होती है. और अगर कोरियन स्किन केयर रूटीन्स को देखा जाए, एटलीस्ट द 7, 10, 12, 14 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन्स, उसमें टोनर, एसेंसेस, एम्प्यूल्स, मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क, ये सब कुछ होता है, पर आपका एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट कहाँ फिट होता है वो पता ही नहीं चलता. सो टुडे आई एम गोइंग टू मैरी द टू. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एंटी एजिंग रूटीन विद अ कोरियन ट्विस्ट. यानी कि अगर आपको कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं, आपको कोरियन टेक्निक ऑफ डूइंग स्किन केयर बहुत पसंद है, बट यू वांट टू मैरी दैट इनटू योर एंटी एजिंग रूटीन, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडेज वीडियो इज अबाउट Korean skincare, the anti-aging way, a beautifully designed routine that will give you flawless glowing skin with an anti-aging twist. Video shuru karne se pehle video ko like kar dein, channel ko subscribe kar dein. Main banati hoon skincare related videos hafte mein 5 baar. ऑलमोस्ट हफ्ते में 6-7 बार, एक्चुअली 5 बार मैं जनरली बोलती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट डाउन एनीवन. स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहाँ आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स, यानी प्रोडक्ट को कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, गलतियाँ हो जाए उसे ठीक कैसे करना है, सारी की सारी डिटेल्स मैं बताती हूँ यहाँ. प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ, रूटीन अप्लाई करके दिखाती हूँ, सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेंट लाइक दिस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. नाउ लेट्स गेट इनटू इट. The first thing is makeup removal, and the Korean technique that is absolutely my favorite is double cleansing. Double cleansing, आज मैं इस वीडियो में नहीं करके बता रही, because I just want to save time. I have done an entire dedicated video on double cleansing, and pretty much over 15, 20, maybe 30 videos of mine, उनमें मैंने double cleansing करके भी दिखाई है. So आप किसी भी और वीडियो में देख सकते हैं. यहाँ मैं नहीं कर रही, because I just want to keep it short and I want to save time. But double cleansing is about using a cleansing balm or a cleansing oil. पहले जब आपका चेहरा गंदा होता है, जैसे ऐसे मेकअप है, सनस्क्रीन है, माई फेस इज डर्टी, डर्टी फेस पे आप पहले यूज करेंगे अपना क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल, उसे वॉश करेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे कोई भी नॉर्मल क्लेंजर. सो आई एम गोना यूज टू प्रोडक्ट, हेमिज का क्लेंजिंग बाम, बायोडर्मा का फेस वॉश, एंड लेट मी जस्ट गेट ऑल ऑफ दिस ऑफ माई फेस फर्स्ट. आई नो आई सेड कि ये पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगी, बट आई चेंज माई माइंड. बेसिकली क्लेंजिंग बाम जाता है पहले, मसाज करें, वॉश करें, उसके बाद सेकंड. एक बार आपका चेहरा अच्छे से वॉश हो गया, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोरियन स्किन केयर रूटीन. स्टेप नंबर 1 चेहरा धोने के बाद इज योर टोनर. यू विल यूज अ हाइड्रेटिंग टोनर. मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आई एम फ्रॉम का राइस टोनर. हाइड्रेटिंग टोनर्स को कभी भी कॉटन पैड पे लगा के फिर चेहरे पे मत लगाएं, यू आर वेस्टिंग द प्रोडक्ट. आप उसे डायरेक्टली इस तरह से एक लोशन के जैसे आप लेंगे अपने हाथों पे एंड जस्ट अप्लाई ऑन टू योर स्किन. आई हैव डन अ वीडियो एज वेल ऑन टोनर्स फॉर एंटी एजिंग, एंड आई ट्रूली ट्रूली बिलीव दैट दैट हाइड्रेटिंग टोनर्स आर रियली मल्टी यूज. इन्हें आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. एक डेफिनेटली एज अ टोनर, जैसे मैंने अभी लगाया, बट अगर इसी हाइड्रेटिंग टोनर की, एंड बाई दिस आई मीन किसी भी हाइड्रेटिंग टोनर की, अगर आप 7 लेयर्स लगाते हैं, आप करते हैं द कोरियन 7 स्किन मेथड. एंड कोरियन 7 स्किन मेथड में आपका चेहरा एक टोनर से ही इतना ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है दैट इट्स नॉट इवन फनी. ऑब्वियसली इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ता है इन बिटवीन लेयर्स फॉर द टोनर टू ड्राई, बट इन जनरल इट इज फैब्यूलस. I have done about 3 layers and now we're going to move on to the next step. Toner lagane ke baad, as per your Korean skincare routine, aapko lagana hai a hydrating serum, and what better than using a hyaluronic acid serum. But main yahan hyaluronic acid serum nahi use kar rahi hoon. Main basically use kar rahi hoon ye Bioma ka balancing mist. क्योंकि इसमें सेरेमाइड्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं और इसमें हाइलोनिक एसिड भी है. सो आई डोंट वांट टू यूज अ सेपरेट थिक सेरम बिकॉज आगे के काफ़ी सारे सेरम्स आएंगे. सो टोनर के बाद मैं अपने चेहरे को
इसी से मिस्ट करूंगी और उसके बाद वी आर गोइंग टू गेट इनटू माय मोस्ट फेवरेट शीट मास्क हैक। शीट मास्क आप सबने लगाया होगा किसी ना किसी पॉइंट पे, बट शीट मास्क को अगर आप इस तरह से गीले चेहरे पे लगाते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स योर स्किन इज गोइंग टू बी सो प्लम्प दैट यू विल नॉट बिलीव इट। सो वेरी क्विकली आई एम गोना गो पिक अप अ शीट मास्क एंड यूज इट। आई डोंट रियली हैव अ कोरियन शीट मास्क ऑन मी, सो आई एम जस्ट गोना यूज, ओ एक्चुअली मे बी आई डू हैव अ कोरियन शीट मास्क, लेट्स सी। आई विल बेसिकली जस्ट यूज अ शीट मास्क ऑन माई फेस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। After you take off your sheet mask, your skin is going to be juicy, it's going to be plump, it's going to be super hydrated. अब बारी आती है लगाने की हमारे anti-aging serums. Because when we apply Korean skincare products, उसमें टोनर के बाद serums शुरू हो जाते हैं और अभी तक हमने pretty much कोई serum नहीं लगाया है, unless आपने hyaluronic acid serum लगाया है, that's just one of them. So to make this a truly anti-aging Korean skincare routine, यहाँ पे मैं लगाऊंगी peptide serums. Now let's go over it. अगर तो आपके पास है Argoline Matrixyl, जो मेरा favorite combination है, तो चेहरा dry करके आप लगाएंगे Argoline, फिर उसके बाद चेहरे को mist करेंगे, फिर लगाएंगे Matrixyl 10% in HA. लेकिन अगर आपके पास है ऑर्डिनरी का मल्टीपेप्टाइड सेरम या मिनिमलिस्ट का मल्टीपेप्टाइड सेरम या आपके पास है कोई और मल्टीपेप्टाइड सेरम जैसे मेरे पास है एस्टरवुड का मैट्रिक्सल आर्गलाइन एंड विटामिन सी, तो उसे मैं पूरा चेहरा ड्राई करने के बाद लगाऊंगी। सो क्योंकि मैं लगा रही हूँ एक अलग टाइप का पेप्टाइड सेरम, मैं अपने चेहरे को पहले पूरी तरह से ड्राई करूंगी। याद रखें आर्गलाइन जाता है ड्राई चेहरे पे, इस तरह का कोई भी मल्टीपेप्टाइड सेरम जिसमें है मैट्रिक्सिल आर्गलाइन विटामिन सी, ये भी जाता है ड्राई सेरम ड्राई चेहरे पे। मल्टीपेप्टाइड बाय द ऑर्डिनरी या मल्टीपेप्टाइड बाय द मिनिमलिस्ट, ये भी जाएंगे ड्राई चेहरे पे। तो हमने चेहरा ड्राई किया एंड उसके बाद हाफ अ ड्रॉप, यानी 2 से 3 ड्रॉप 3 से 4 ड्रॉप एक्चुअली मिलते हैं आपको हाफ अ ड्रॉप में। और पेप्टाइड सेरम्स को हमेशा आंखों के नीचे जरूर लगाएं, इट इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। अब इसे कंप्लीटली ड्राई होने देंगे बिफोर वी गो ऑन विद द अदर सेरम्स। सेरम्स के बीच में बहुत जरूरी है कि आप ब्रेक लें एटलीस्ट 10 to 15 seconds, 30 seconds, डिपेंडिंग कौन सा सेरम आप यूज कर रहे हैं, ताकि वो कम्प्लीटली ड्राई हो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इससे आपके चेहरे पे पिलिंग नहीं होती। पिलिंग इज व्हेन स्किन केयर थोड़ी सी देर के बाद आपके हाथों में कुछ इस तरह से आ जाता है, यू रब योर फेस एंड यू फील कि एक डर्ट की लेयर है, बट इट्स नॉट डर्ट लेयर, इट्स बेसिकली योर स्किन केयर जो आपके चेहरे पे पिल कर रहा है। Now we're going to go in with an eye cream or an eye serum. Aur main use kar rahi hu mera multi-peptide eye serum by The Ordinary. I love it so, so much. And aap log jante hain, if you've seen the top eye creams wali jo maine video banayi thi, this is a fabulous serum. Lasts you for literally forever. Great formula. Now understand, इस पॉइंट पे पेप्टाइड्स लगाने के बाद आप रेटिनॉल लगा सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस अ मोर हाइड्रेटिंग रूटीन। तो आज के रूटीन में मैं रेटिनॉल को सिप करके कुछ और सेरम लगाऊंगी, जो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के पास होगा, नहीं भी है तो आई एम गोना गिव यू ऑल्टरनेटिव्स। अभी तक बेसिकली हमने रूटीन में टोनर लगाया है, मिस्ट लगाई है या हाइलोनिक एसिड लगाया है, शीट मास्क लगाए हैं एंड पेप्टाइड लगाए हैं। इसके बाद 100% आप ऐड कर सकते हैं एक हाइड्रेटिंग सेरम जैसे कि नायासिनमाइड। नायासिनमाइड इज अ मल्टीपर्पज सेरम, हाइड्रेट करता है, ऑयल लेवल्स को कंट्रोल करता है, वर्क्स ऑन योर ओपन पोर्स एंड ब्लैक हेड्स, ब्राइटनेस ऐड करता है, इट्स अ फैब्यूलस एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज अ टन ऑफ बेनिफिट्स फॉर योर स्किन। सो आई वुड रेकमेंड इसके बाद आप अगर इस रूटीन को हाइड्रेटिंग बनाना चाहते हैं, थोड़ा और नरिशिंग बनाना चाहते हैं, नायासिनमाइड यूज करें, फिर यूज करें रेटिनॉल या सिर्फ यूज करें रेटिनॉल, इट्स टोटली अप टू यू। इन ब्रांड है बाय द नेम
प्यूरिटो. प्यूरिटो का ग्लैक्टोनियासिन 75 पावर एसेंस. नाउ अंडरस्टैंड, सेरम से थोड़ा ज़्यादा वाटरी है. अब इसमें क्या है? इसमें है ग्लैक्टोमाइसिस फर्मेंट फिल्ट्रेट, बेसिकली 92% एक प्रोबायोटिक है. वेरी सिमिलर टू बिफिडा फर्मेंट लाइसेट जो मैंने इंस्ट्री का दिखाया है, जो अभी मेरा इंडिया में रह गया है, सो आई डोंट हैव इट. इसमें 5% नायासिनमाइड है. दिस इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. इट हैज प्रोबायोटिक्स विच इज ग्रेट फॉर योर स्किन. सो मैं ये यूज कर रही हूँ एंड इसमें नायासिनमाइड भी है. यू कैन जस्ट अबाउट यूज अ रेगुलर नायासिनमाइड, या अगर आपके पास इंस्ट्री वाला बिफिडा फर्मेंट लाइसेट है आप वो भी यूज कर सकते हैं. एक बार प्रोडक्ट अच्छे से आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो गया, देन ऑफ कोर्स यू गोना गो इन विद योर नाइट क्रीम. यू कैन यूज एनी नाइट क्रीम. आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम बायोमा. दिस इज द मॉइस्चराइजिंग रिच क्रीम विच हैज सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, एंड आई लव सेरामाइड्स एंड सेरामाइड्स इन जनरल आर रियली रियली गुड. एक बहुत अफोर्डेबल वर्जन इसका होगा, द मिनिमलिस्ट सेरामाइड मॉइस्चराइजर. इट्स फैब्यूलस. इट हैज 5 टाइप्स ऑफ सेरामाइड्स एंड इट इज ग्रेट. क्रीम थोड़ी सी ज्यादा मैंने ले ली थी, विच इज वाई इट वॉज लुकिंग सुपर वाइट, बट उसे मैंने मसाज किया एंड इट्स ऑल ब्लेंडेड इन. नाउ एट दिस पॉइंट आपका रूटीन खत्म होना हो जाना चाहिए, एंड डेफिनेटली अगर आपने रेटिनॉल लगाया है देन योर रूटीन शुड एंड एट दिस पॉइंट. बट क्योंकि मैंने इस रूटीन में सिर्फ पेप्टाइड्स लगाए हैं, आई एम गोइंग टू गिव इट अ फ्यू मिनट्स ताकि ये क्रीम मेरे चेहरे पे अब्सॉर्ब हो जाए, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज अ फेस ऑयल. एंड द फेस ऑयल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज गोइंग टू बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज इट इज अ न्यू लॉन्च एंड ये एक्चुअली एक ड्यूप है फॉर अ वेरी very expensive product or ingredient, so stay tuned. We all know about the brand La Mer. La Mer is a luxury skincare brand. Iske formulations, iski history, iski puri storytelling is rooted in marine sciences and basically the use of algae. Now algae is a very very rich source of antioxidants and is supposed to be good for skin. La Mer is for another time, and the whole product and the range is for a discussion another time. आज मैं आपको एक बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें एक्चुअली माइक्रो एल्गे है. नाउ माइक्रो एल्गे इज एल्गे जो फ्रेश वाटर या सलाइन वाटर यानी लेक्स और छोटे फ्रेश वाटर एरियाज या सलाइन यानी समुंदर या सी में पाया जाता है. बट ये एल्गे इतना छोटा होता है कि ईजिली नजर नहीं आता, विच इज वाई इट्स कॉल्ड माइक्रो एल्गे. एंड माइक्रो एल्गे इज वेरी वेरी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स. उसमें एक्चुअली डिस्पाइट बींग एन ऑयल, इसमें प्रॉपर्टीज हैं कि वो आपके पोर्स को अनक्लॉग कर सकते हैं, आपके एक्ने को हील कर सकते हैं. इट्स सुपर सुपर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. इट हैज स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज. एंड द ब्रांड दैट वी लव सो मच, द ऑर्डिनरी, हैज कम आउट विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट. इट इज द बी ऑयल. बी ऑयल में बेसिकली ये हर स्किन टाइप के लिए है क्योंकि ये एक बहुत लाइट वेट ऑयल है. सो इवन इफ यू आर ऑयली ऑयली, एंड अगर आपको मन कर रहा है, वैसे इफ यू हैव ऑयली स्किन यू डोंट नीड एन ऑयल, बट कभी कभी लेट्स से यू वांट टू यूज एन ऑयल और यू नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा नरिशमेंट, आप ये यूज कर सकते हैं. नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन हर स्किन टाइप ये यूज कर सकता है. दिस इज रिच इन माइक्रो एल्गे. इट हैज अ लॉट ऑफ गुड सीड एक्सट्रैक्ट्स. बेसिकली इट इज फैबुलस. मुझे ये एक्चुअली देयर इज अ पर्टिकुलर स्टोर हियर इन UAE which actually sells various skincare products. So, उन्होंने मुझे ये PR में भेजा था almost 2 months ago and I had just kept that box, and then when I was clearing it out I found it, then I read the ingredients, then I started using it and I really really like it. I've not used it that much but थोड़ा सा मैंने यहाँ तक use किया है and it's really nice. So, I'm just going to take about 3-4 drops. इसका color थोड़ा सा greenish yellow है and जिस तरह से मैं oil लगाती हूँ I just like to pat it onto my skin. वैसे आई हैव बीन डूइंग दिस कैस्टर ऑयल पैक, बट जब मैं ये कैस्टर ऑयल पैक नहीं करती, या एंड आई नो सबको कैस्टर ऑयल करना भी नहीं है, सो आई बेसिकली यूज दिस एंड दिस इज लाइक It's a thing that I will use once a week, once in 2 weeks. Regularly use नहीं करती, because regularly मैं oil को use नहीं करती, except castor oil pack, जो मैंने अभी कुछ 6-7 हफ्तों से use करना शुरू किया है. But when I do use an oil, this is the one I really, really like, and I just like to press it onto my skin.
It is fabulous. It's great for skin that's irritated, jinka skin barrier broken hai, all of those kind of issues. It's fabulous. So this is my Korean skincare routine with an anti-aging twist, basically showing you ki kis tarah se aap apne anti-aging ingredients, whether it's peptides, whether it's retinol, whether it's anything else, aap usse incorporate kar sakte hain by using the same techniques jo Korean skincare use karta hai. Now Korean skincare, always remember, is about layering things right, going from the thinnest to the thickest consistency, jaise ki humne yahan kiya. But in case you missed my castor oil pack video, where I use castor oil as a face pack for reducing fine lines and wrinkles, that's the next video. Do check it out. Video pasand aayi, do consider liking the video and subscribing to my channel. I will see you next time. Take great care of yourself. Bye.